सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले कक्षा में हमने अलंकार के बारे में पढ़ा। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, पद परिचय का। पद परिचय का जो प्रश्न आता है वो भी यानी कि 2 नंबर का आता है। देखिए, पद परिचय क्या होता है या किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम पद के बारे में जानें कि पद क्या होता है या किसे कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही क्या कहते हैं, पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। इनकी जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है। अब राम है, बाजार है, जाता है, ये अलग अलग शब्द है, लेकिन ये वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण ये प्रत्येक जो शब्द हैं ये यानी कि पद कहलाएंगे। तो राम भी यहाँ पद है, बाजार भी पद है और जाता भी पद है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही क्या कहते हैं, पद कहते हैं। बात करें हम पद परिचय की कि पद परिचय किसे कहते हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरण के अनुसार उसका यानी कि परिचय बताना। परिचय में क्या कि उसका लिंग, वचन है, कारक है, इन सब के बारे में यानी जानकारी बताना। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के बारे में व्याकरण की दृष्टि से उनके लिंग, वचन, कारक, काल के बारे में बतलाना ही पद परिचय कहलाता है। अब देखिए, इसमें पद परिचय के अंतर्गत हमको किस किस की जानकारी होना जरूरी है। एक तो है संज्ञा, एक है सर्वनाम, फिर इसके बाद में है विशेषण, फिर इसके बाद में है क्रिया और अंत में है अव्यय। यानी कि ये 5 चीज़ें, इनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए और इनसे ही जुड़े हुए यानी कि प्रश्न आते हैं। संज्ञा का अगर पद परिचय करना होता तो हमको इसमें संज्ञा के प्रकार के मालूम होने चाहिए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से नाम है। सर्वनाम का पद परिचय करना होता है तो हमको पहले सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम की परिभाषा किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में विशेषण का पद परिचय करने के लिए हमको विशेषण की परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसके प्रकार कौन कौन से, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके से क्रिया के बारे में, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है, प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार की होती है। और अंत में यानी कि अव्यय, अव्यय यानी कि इनको अविकारी, अविकारी शब्द भी कहा जाता है, या तो अव्यय कहें या इन्हीं को क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है। तो पहले हमें पद परिचय करने से पहले हमको संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में, क्रिया के बारे में तथा अव्यय या अविकारी के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। संज्ञा का पद परिचय करने के लिए हमें संज्ञा के प्रकार की, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा 3 प्रकार की है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। इसी प्रकार से सर्वनाम के प्रकार है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है और प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार से विशेषण के बारे में भी हमको पढ़ना है कि विशेषण किसे कहते हैं,
विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? विशेषण के प्रकार चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण होता है, दूसरी बात में संख्यावाचक विशेषण होता है, तीसरा होता है यानी कि परिमाणवाचक विशेषण होता है, चौथा होता है यानी कि संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार से फिर हमको यानी कि क्रिया के बारे में पढ़ना होता है कि क्रिया की क्या परिभाषा होती है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिया के हम प्रकारों की बात करते हैं तो एक तो यानी कि कर्म के आधार पर लेते हैं, कर्म के आधार पर। दूसरा हम पढ़ते हैं यानी कि प्रयोग के आधार पर, तो ये भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में अव्यय, अव्यय है, अव्यय भी चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है यानी कि समुच्चयबोधक अव्यय होता है, तीसरा होता है यानी कि संबंध बोधक अव्यय, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। तो इन सब के बारे में यानी कि हमको पहले पढ़ना पड़ेगा, तत्पश्चात ही यानी कि हमको उस शब्द का पद परिचय हम बता सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे ये ही शब्द ले लिए, राम बाजार जाता है, तो और राम के नीचे यानी कि अंडरलाइन कर दी और इसी का पूछ लिया कि राम शब्द का यानी कि पद परिचय बताओ, तो हमको यह पहचानना पड़ेगा कि राम शब्द यानी कि संज्ञा है, कि सर्वनाम है, कि विशेषण है, कि यह क्रिया है कि या अव्यय। मान लीजिए बाजार के नीचे अंडरलाइन कर दी कि बाजार का यानी कि पद परिचय बताओ, तो हमको पहचानना पड़ेगा कि इन पांचों में से कि बाजार शब्द किस में जाएगा, संज्ञा में जाएगा, सर्वनाम में जाएगा, विशेषण में जाएगा, क्रिया में जाएगा कि या अव्यय में जाएगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इन चारों जो पांचों बिंदु हैं इनके बारे में हमको पूरी तरीके से यानी कि जानकारी होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार होते हैं और इसमें कौन कौन से तरीके से उदाहरण आते हैं। वैसे हम फिर सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, इसमें किस किस तरीके के सर्वनाम शब्द आते हैं। विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे, विशेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं। उसी प्रकार से क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, कर्म के आधार पर सकर्मक होती है, अकर्मक होती है, वैसे ही प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अव्यय के बारे में यानी कि या अविकारी शब्द के बारे में। तो आइए हम सबसे पहले संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पद परिचय, पहले इसके हम परिभाषा देखें, पद परिचय किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरण के नियमानुसार काल, लिंग, वचन, कारक आदि की जानकारी बतलाना ही पद परिचय कहलाता है। कहने का तात्पर्य कि वाक्य में कोई भी शब्द अगर प्रयुक्त हो रहा है और उस शब्द का अगर हम व्याकरण की दृष्टि से या व्याकरण के नियमों के अनुसार उसके काल के बारे में, उसके लिंग के बारे में, उसके वचन और कारक आदि के बारे में अगर हम परिचय बताते हैं, जानकारी बताते हैं, तो उसे ही हम यानी कि क्या कहते हैं, पद परिचय कहते हैं। अब सबसे पहले देखिए हम संज्ञा शब्द के बारे में कि संज्ञा के प्रकार, संज्ञा की परिभाषा, इसके बारे में जानकारी होगी, उसके बाद में हम फिर संज्ञा शब्द का पद परिचय कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले संज्ञा शब्द है। संज्ञा किसे कहते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। यानी कि फिर से देखिए कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। फिर हम संज्ञा के प्रकारों के बारे में देखें कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं या कहें भेद। तो देखिए संज्ञा के तीन भेद होते हैं, एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा आता है यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के तीन प्रकार हो गए, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा।
तो हम सबसे पहले यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कि किसी व्यक्ति विशेष तथा वस्तु अथवा स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में कहता है कि जो शब्द यानी कि किसी विशेष व्यक्ति विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे विशेष व्यक्ति के अंतर्गत देखिए अवदेश यानी कि मनुष्यों के नाम आगे अवदेश है, स्थान के अंतर्गत आगरा है, दिल्ली है, ताजमहल है, बुलंद दरवाजा है, हिंदी की पुस्तक कुरान है, रामचरितमानस, ऋग्वेद, हिमालय, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, ऊषा पंखा। तो ये सब यानी कि कौन से संज्ञा शब्द है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। इसके बाद में है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देखिए कि जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का पता चलता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब जातिवाचक के उदाहरण देखिए, जैसे लड़का है, लड़की, पुरुष, महिला, गाय, बकरी, दरवाजा, पुस्तक, पंखा, मंदिर, मस्जिद, भिखारी, कक्षा, कुर्सी, बस्ता आदि। यानी कि ये वो शब्द हैं जिनसे हमें इनकी जाति के बारे में मालूम चल रहा है कि ये लड़का है या लड़की है, पुरुष है, एक महिला है, गाय है, बकरी है, दरवाजा है, पुस्तक है, पंखा है, एक मंदिर है, मस्जिद है, एक भिखारी है, कक्षा है, कुर्सी है, बस्ता आदि। तो ये सारे के सारे जो शब्द है ये किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा भेद आता है यानी कि भाववाचक संज्ञा का। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के भाव, कौमा अवस्था, कौमा गुण अथवा दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के भाव अवस्था गुण अथवा दशा आदि का बोध होता है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? देखिए सुख है, बचपन है, सुंदरता है, मानवता है, बुढ़ापा, वैभव, सौंदर्य, माधुर्य, अहंकार, थकावट, व्यावहारिक, अपनापन, लड़कपन आदि। ये जो सारे शब्द हैं ये किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब हमने यानी कि संज्ञा के बारे में पढ़ लिया कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन किस तरीके के शब्द आते हैं। फिर हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा में किस तरीके के यानी कि शब्द काम में लिए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा यानी कि भाववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसमें किस प्रकार के यानी कि शब्द आते हैं। अब हम इसके बाद में यानी कि इसी का पद परिचय करते हैं, यानी कि संज्ञा शब्द का पद परिचय। अब संज्ञा शब्द का पद परिचय करने के लिए ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से बिंदु हमको ध्यान रखने होते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमें यानी कि नंबर एक पर संज्ञा का प्रकार बताना होता है कि भाई ये शब्द है संज्ञा शब्द है तो इस संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जैसे राम शब्द है, राम एक संज्ञा शब्द है। अब ये राम शब्द है जो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है, जातिवाचक है, तो एक तो इसका प्रकार बताना पड़ता है। तो संज्ञा शब्द का पद परिचय करने के लिए हमें यानी कि पांच बिंदु यानी कि बताने होते हैं, पांच बिंदु। परीक्षा के अंतर्गत हमको दो या तीन बिंदु ही हमको दर्शाने होते हैं। तो पहला तो हमको बताना क्या होता है यानी कि संज्ञा का प्रकार की संज्ञा कौन सी है, कि जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि कौन सी संज्ञा है। इसके बाद में देखिए पहला तो हो गया यानी कि संज्ञा के प्रकार। इसके बाद में हम बात करते हैं
दूसरा जो हमारा बिंदु होता है वो है यानी कि संज्ञा शब्द का लिंग, उसका शब्द का लिंग बताना पड़ता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तीसरा बिंदु हमको बताना होता है कि संज्ञा शब्द का वचन कौन सा है, कि वचन एक वचन है या बहुवचन है। चौथा नंबर फिर हमको बताना होता है यानी कि कारक, कौन सा कारक है। और पांचवा बिंदु है कि संज्ञा शब्द से क्रिया का संबंध, संज्ञा शब्द से क्रिया का संबंध। तो इस प्रकार से यानी कि हमें पांच बातें बतानी होती है, यानी कि एक तो संज्ञा का प्रकार बताना होता है नंबर, दूसरे पर यानी कि शब्द का लिंग बताना होता है, तीसरे पर वचन बताना होता है, चौथे पर कारक बताना होता है, और पांचवे पर यानी कि संज्ञा शब्द का क्रिया से संबंध ये बताने होते हैं। तो एक तो संज्ञा का प्रकार कौन सी है, उस शब्द में पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, और उसमें कारक कौन सा है, और पांचों बिंदु बताना होता है हमें संज्ञा शब्द का क्रिया से संबंध। तो देखिए अब उदाहरण के तौर पर देखिए संज्ञा शब्द का पद परिचय हम देखिए। जैसे उदाहरण है कि प्रियंका भोजन करती है, तो जिस शब्द का वो पद परिचय करवाएगा उसके नीचे वो यानी कि अंडरलाइन करेगा, यानी कि उस शब्द को रेखांकित कर देगा। उसी शब्द का हमको क्या करना होता है, पद परिचय करना होता है। आप जैसे प्रियंका के नीचे अंडरलाइन कर रखी है और भोजन के नीचे कर रखी है, तो हम यहाँ पहले उतार लेंगे नंबर एक पर प्रियंका शब्द। अब हम उस संज्ञा के प्रकारों में से हम छाटेंगे, संज्ञा के प्रकारों में से हम देखेंगे कि प्रियंका कौन सी संज्ञा है, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कि भाववाचक है या जातिवाचक है। तो यहाँ देखिए कि प्रियंका जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो पहला हमको पहला बिंदु लिखना होता है संज्ञा का प्रकार अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर कॉमा लगा दिया, फिर उसका लिंग बताना होता है कि प्रियंका क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, फिर उसका वचन बताना होता है कि प्रियंका एक वचन है तो एक वचन लिख दिया, फिर कारक बताना होता है तो प्रियंका क्या है, यहाँ कर्ता कारक है, और अंत में क्रिया का यानी कि संज्ञा से संबंध बताना होता है, तो यहाँ क्रिया क्या है, यहाँ पर करती है, क्रिया करती है, इसका क्या है, ये कर्ता है। फिर इसके बाद में दूसरा हमने लिया भोजन शब्द, भोजन शब्द यहाँ पर क्या है, कौन से संज्ञा, भोजन शब्द यहाँ पर है जातिवाचक संज्ञा, इसका लिंग कौन सा है, भोजन का पुल्लिंग है, वचन कौन सा है, एक वचन है, और कारक कौन सा है, कर्म कारक, और क्रिया का क्या है, कर्म। इस प्रकार से हमें संज्ञा शब्द का पद परिचय बताना होता है। एक और उदाहरण से हम इसको देखते हैं, जैसे रावण बहुत अहंकार करता था, रावण के नीचे अंडरलाइन कर दी और अहंकार के नीचे अंडरलाइन, इन दोनों शब्दों का हमको यानी कि पद परिचय बताना है। पहला शब्द हमने ले लिया यानी कि रावण, रावण शब्द कौन सी संज्ञा, संज्ञा का प्रकार लिख दिया हमने कि रावण शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर इसका पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो रावण शब्द पुल्लिंग है, वचन कौन सा है, एक वचन है, कारक कौन सा है, कर्ता कारक, और क्रिया से संबंध है क्रिया का कर्ता। तो इस प्रकार से हमें यानी कि लगभग चार या पांच बिंदु हमको बताने होते हैं, और इस प्रकार से व्याकरण की दृष्टि से यानी कि ये सारे बिंदु बताना ही यानी कि पद परिचय कहलाता है। फिर अगला देखिए अहंकार, अहंकार है, अहंकार शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, भाववाचक संज्ञा है, फिर पुल्लिंग शब्द है, वचन कौन सा है, एक वचन है, कर्म कारक है, और पांचवा बिंदु क्या हो गया, क्रिया का कर्म हो गया। इसी प्रकार से हम तीसरा उदाहरण और लेते हैं, जैसे चंचल बचपन में बहुत शैतानी करती थी, तो चंचल के नीचे दे दिया हमने अंडरलाइन और बचपन के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया, इन दोनों शब्दों का पद परिचय हम देखिए। तो चंचल है यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर उसका लिंग कौन सा है, चंचल स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग डाल दिया, वचन कौन सा है, एक वचन है तो एक वचन लिख दिया, और कारक कर्ता कारक, इसलिए कर्ता कारक, और लास्ट बिंदु है क्रिया का संज्ञा से संबंधित, तो क्रिया का क्या है, यहाँ चंचल, यहाँ कर्ता है। इसी प्रकार से हम बचपन शब्द का करेंगे, तो बचपन शब्द कौन से संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और लिंग इसका कौन सा है, पुल्लिंग है, वचन कौन सा है, एक वचन,
और कारक अधिकरण कारक है और क्रिया का अधिकरण। तो इस प्रकार से हमें यानी कि संज्ञा का पद परिचय बताना होता है। इसके बाद में फिर हम लेते हैं यानी कि सर्वनाम का पद परिचय करने के लिए हमें सर्वनाम की परिभाषा याद होनी चाहिए, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो इनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए अगला हम पढ़ते हैं सर्वनाम शब्द, क्या परिभाषा होती है इसकी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे यानी कि सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, यह, वह, ये सारे के सारे यानी कि क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं। अब देखिए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के यानी कि भेद, सर्वनाम यानी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए, कॉमा सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए इसके बाद में पुरुषवाचक सर्वनाम के भी यानी कि 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में यानी कि बोलने वाले का, यानी कि जो बोलने वाला वक्ता होता है उसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में जो यानी कि सुनने वाला होता है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, और अन्य पुरुष में यानी कि किसी अन्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तब उत्तम पुरुष में जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हम दोनों, हम सब, तो ये सारे जो सर्वनाम शब्द है ये व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयुक्त तो करता है कि मैं बाजार जाऊंगा, मेरा यह काम है। ये जो सारे सर्वनाम शब्द है ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष में है जो सामने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं या सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे तुम दोनों, तुम सब, आप, आपका, तुम्हारा, तुम्हें, तुझे आदि। तीसरा इसका प्रकार है पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। इसमें यह, वह, ये, वे, इसका, उसका, इसे, उसे, ये जो सर्वनाम शब्द है ये अन्य पुरुषवाचक के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब इसको हम उदाहरण से देखेंगे। जैसे मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो, तो यहाँ पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आ गया मुझे। तुम अपना काम करो तो तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हो रहा है, और वह अपना काम करती है तो वह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से सर्वनाम का दूसरा भेद आता है यानी कि निश्चयवाचक। दूसरा भेद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं? कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। फिर से देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण, यह कार प्रियंका की है, वह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर यह वह है। तो यह निश्चयवाचक, निश्चित मालूम चल रहा है कि यह कार किसकी है, प्रियंका की, और पुस्तक के बारे में भी मालूम चल रहा है निश्चित कि वह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ ये दोनों शब्द ये निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुए। सर्वनाम का तीसरा प्रकार होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या
प्राणी का बोध नहीं हो तथा संशय की स्थिति बनी रहे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कि निश्चयवाचक सर्वनाम में तो यानी कि निश्चित मालूम होता है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यानी कि निश्चित मालूम नहीं होता है, यानी कि संशय की स्थिति बनी हुई रहती है। जैसे अशोक की आंख में कुछ चला गया है और आज घर पर कोई आया है, तो यहाँ पर कोई अशोक की आंख में कुछ चला गया, अब कुछ है, कुछ शब्द है, ये क्या है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, कुछ से मालूम नहीं चल रहा, कुछ चला गया, चला तो गया लेकिन कुछ चला गया, यानी कि अनिश्चित है, मालूम नहीं चल रहा, संशय की स्थिति बनी हुई। और यहाँ पर भी इसी में भी है, इसमें भी आज घर पर कोई आया है, तो यहाँ पर कोई आया है, कोई आया तो है लेकिन कोई आया, तो कोई जो सर्वनाम है यानी कि ये कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से है चौथा है इसका निजवाचक सर्वनाम। क्या परिभाषा होती है इसकी, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, अपना, स्वयं, खुद आदि, ये यानी कि निजवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त तो होते हैं। जैसे उदाहरण, देवांशु अपना भोजन स्वयं ही बना लेता है, तो यहाँ स्वयं जो शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम। मीनाक्षी अपना कार्य आप ही कर लेती है, यानी आप शब्द भी क्या है यहाँ पर, निजवाचक सर्वनाम है। फिर अगला आता है यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अलग अलग बातों के संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, या अलग अलग बातों के, या अलग अलग बातों के संबंध को व्यक्त करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण, दूध में जितनी चीनी डालोगे वह उतना ही मीठा होगा, तो जितनी और उतने, ये यानी कि आपस में संबंध बताने वाले सर्वनाम है। दूसरा देखिए, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा, तो यहाँ जैसा है और वैसा, ये भी संबंध बताने का कार्य करे, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। फिर अंतिम है छठा, के प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से प्रश्न का बोध होता है, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से प्रश्न का बोध होता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आज तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया, आज तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया, आप किससे पूछकर दुकान पर गए, यानी कि प्रश्नवाचक लगा हुआ होता है। तो यहाँ क्यों और किससे, ये यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त तो हुए। अब इसके पद परिचय के बारे में देखिए, वही है संज्ञा की तरह हमको पता नहीं होता है, सर्वनाम के प्रकार हैं, सर्वनाम का, सर्वनाम शब्द का लिंग क्या है, सर्वनाम शब्द का वचन क्या है, उसमें कारक कौन सा है, और सर्वनाम शब्द का क्रिया से संबंध। तो ये हमें यानी कि संज्ञा, वो सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए हमें वही पाँच बिंदु यानी कि संज्ञा की तरह हमको बताने होते हैं। तो इसके बारे में संज्ञा, सर्वनाम शब्द के पद परिचय के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।